गाइस, गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर पाऊंगी, बट फिर मैंने सोचा कि अगर अभी नहीं बैठूंगी तो फिर कभी नहीं बैठूंगी। कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। तो और एक चीज़, आज है मार्च का 2 तारीख। मैंने सोचा था कि 1 तारीख से मैं स्टार्ट करूंगी, बट कल मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा था। बट आज मैंने कल सोच लिया था कि रात को कि आज पढ़ना ही है, कैसे भी करके मन को मनाना है कि चलो स्टार्ट करते, क्योंकि ये जो फर्स्ट दिन होता है ना, बहुत दिनों के गैप लगने के बाद पढ़ने बैठना, ये बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड दिन आप अगर बैठ जाते हो तो फिर आप रेगुलर हो जाते हो, मैंने ये पहले भी नोटिस किया था। तो चलिए बिना बकबक के आज पढ़ने बैठेंगे। बाहर बहुत नॉइजेस है, बहुत साउंड्स है, तो इसीलिए और नहीं बात करेंगे। एंड या अब से स्टडी व्लॉग्स फिर से आया करेंगे। एंड हाँ, एंजॉय करो व्लॉग को, और जो नए 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। मैं ये नहीं सोचने वाली, मैंने ये सोच लिया, क्योंकि ये सोचने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, मैं ये सोचूंगी कि मेरे लिए सिलेबस पूरा नया है, मैं मतलब नए से स्टार्ट करूँगी। सब सब्जेक्ट को मैंने सोच लिया कि एकदम फर्स्ट से स्टार्ट करूँगी, फर्स्ट चैप्टर से, बीच से नहीं करूँगी, ताकि मुझे ये बार बार फील ना हो कि भाई मेरे लिए मैंने ये कर चुका हूँ, मैं कर चुकी हूँ या कुछ। सो या चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्योंकि बहुत दिनों के बाद गैप लगने के बाद आज मैं फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठ रही हूँ फिर से, तो आज का बहुत ही मिनिमल स्टडी सेशन रखेंगे, बहुत ही कम टाइम का, लाइक एटलीस्ट 1 आवर का। तो मैं यहाँ पे 1 घंटे के लिए बायोलॉजी पढ़ूँगी। ओके, अभी कोई भी प्रेशर नहीं लेंगे, ताकि मुझे ज़्यादा बहुत बोरिंग सा फील ना हो और स्ट्रेस फील ना हो कि भाई ये चीज़ें मुझे और करना पड़ेगा अभी 1 साल के लिए। तो इसीलिए मैंने सिर्फ रीडिंग वगैरह करा है और कुछ नहीं, एक चैप्टर को स्टार्ट किया है, लाइक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है आज से पढ़ना। तो मैंने सोचा हर एक सब्जेक्ट का मैं फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करूँगी फिर से, ताकि मुझे बार बार वो फील होना बंद हो, क्योंकि सच में वैसे फील होने के बाद पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैंने आज यहाँ पे सिर्फ लाइक ह्यूमन हॉर्मोन्स तक किया है, मतलब ह्यूमन बॉडी में हॉर्मोन्स का क्या क्या काम है या कुछ, तो ये चैप्टर तक मैंने किया है। वो भी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया, बट उसके आधा पोर्शन मैंने कर चुकी हूँ मैं, और उसके साथ साथ पूरा जो प्लांट हार्मोन है वो भी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था रीडिंग। ओके, तो ये सब मेरा हो चुका है, बट फिर भी रीडिंग कर रही हूँ, ताकि पहले रीडिंग करूँगी मैं, फिर नेक्स्ट दिन जो होगा आज के बाद जो मैं पढ़ने बैठूँगी उस दिन मैं राइटिंग वगैरह या लेक्चर देखूंगी। मैंने ये सोचा है मैं फिर से यूट्यूब का एक इस चैप्टर हर एक चैप्टर का लेक्चर देखूंगी एंड फिर से नोट्स बनाऊंगी, ताकि बोरिंग ना लगे, क्योंकि देखो पिछले नोट्स मैं पढ़ूंगी तो ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा मुझे लगता है। तो मैं फिर से नोट्स बनाऊंगी, और आप जितना सेल्फ नोट क्रिएट करोगे उतना आप इम्प्रूव करोगे खुद के ये, क्योंकि मैं एकदम देख देख के अंधों की तरह नहीं करती हूँ, सो इसलिए। सो आई होप यू लाइक दिस स्टडी व्लॉग, अगर पसंद आए तो डू कमेंट, और बस मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज मैंने छोटा ही व्लॉग रखा है क्योंकि फर्स्ट दिन है, मैंने चाहती बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लूँ मैं खुद के ऊपर, और या बट नेक्स्ट दिन से आई प्रॉमिस टाइम इंक्रीज होगा थोड़ा थोड़ा करके। आज 1 घंटा हुआ है, नेक्स्ट दिन 2 घंटा होगा, देन 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसे ऐसे करके मैं इंक्रीज़ करूँगी, एक बार में नहीं करूँगी। ओके, सो बाय गाइस।